रतिया पुलिस ने पंजाब के नशे की सप्लाई करने जा रहे गाड़ी के सवार दो युवकों को काबू कर उनके कब्जे से 32,000 नशे की गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इसके बाद पकड़े गए दोनों आरोपी कुलविंदर सिंह और जगजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए रतिया सदर थाना के SHO कपिल सिहाग ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव नागपुर के पास खुनन गांव के चौक पर गाड़ी सवार दो युवकों को रुकवा कर गाड़ी की तलाशी ली तो 32,000 नशे की गोलियां बरामद हुई। पकड़े गए दोनों आरोपी कुलविंदर और जगजीत पलवल जिले के रहने वाले हैं। दोनों पंजाब में नशे की सप्लाई करने जा रहे थे। दोनों से डिमांड के दौरान मुख्य तस्कर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इन्फॉर्मेशन मिली थी एक कुछ आदमी गाड़ी लेके नशे की गोलियां सप्लाई करने के लिए पंजाब में जाने हैं, तो उस आधार पर कल नाकाबंदी की गई। दोनों ने नाकाबंदी दो लड़के पकड़े जिनके पास स्विफ्ट डिजायर कार और उसमें सरकार द्वारा जो प्रतिबंधित टेबलेट्स हैं ट्रामाडोल 32,000 गोली रिकवर हुई, जिनके खिलाफ NDPS का FIR दर्ज करके आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। तो ये कहाँ से जा रहे ये जा ये लोग कलवल से लेके आए थे, पंजाब में लेके जाना था इनको, तो आज रिमांड के बाद पूछताछ की जाएगी किससे भी इन्होंने माल लिया, कहाँ लेके किसको देना था। ये दो लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पलवल के रहने वाले हैं। दोनों पलवल के? दोनों ही पलवल के। ये कहाँ पर मतलब नाकाबंदी का कहाँ पकड़ा गया? ये खुनन चौक नागपुर। नागपुर जी।